हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों वोकैबुलरी सेशन नंबर 22। जी हाँ, 21 में हमने 10 वोकैबुलरी की थी और अब हम स्टार्ट करते हैं 22। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लें, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है SBI स्टूडेंट्स के लिए और IBPS स्टूडेंट्स के लिए। ये उनको टारगेट करके इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि दोस्तों कमिंग जो एग्जामिनेशंस हैं IBPS PO और SBI PO के, उनमें जो पिछली जो एग्जाम्स थे उनको देख के वीडियो बनाई जा रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि वोकैबुलरी आपके काम आएंगी और डेफिनेट काम आएंगी। दोस्तों ये पहले काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हुई हैं, राइट? तो इनको ध्यान से करिएगा। यदि कहीं कोई भी क्वेश्चन है सो यू कैन राइट डाउन ऑन माई कमेंट बॉक्स और यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो विदाउट डिले वी शुड स्टार्ट फ्रॉम नंबर वन। आइए, वोकैबुलरी इनसर्टिट्यूड। जी हाँ, इनसर्टिट्यूड, INCERTITUDE, इनसर्टिट्यूड। जैसा कि इसका नाम है इनसर्टिट्यूड, थोड़ा नेगेटिव फील कराती है। इसका मतलब होता है अनसर्टेनिटी, UNCERTAINTY, अनसर्टेनिटी, राइट? अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता। इसी अनिश्चितता को हम लोग डाउट भी बोल सकते हैं। चाहे डाउट हो आपको या आप अनसर्टेन हो, यही कहलाता है दोस्तों इनसर्टिट्यूड। इसका एग्जाम्पल मैं आपसे कह सकता हूं, She looked round with an air of incertitude and advanced towards the stairs. थोड़ा महंगा सेंटेंस था लेकिन सिंपल था, मैं फिर से रिपीट करता हूं। She looked round, उसने चारों तरफ घूम के देखा, with an air of incertitude, एक शक की निगाहों से उस हवा में, उस जगह, and advanced, और आगे बढ़ गई, towards the stairs, सीढ़ियों की तरफ। So यहां पे incertitude means डाउटफुल होके देखना, इनसर्टिट्यूड, शी सॉ समथिंग, राइट? तो डाउटफुल होना किसी भी चीज के लिए, अनसर्टेन होना, इज कॉल्ड इनसर्टिट्यूड। नंबर सेकंड, सेकंड है दोस्तों डिसवेड, DISSUADE, डिसवेड, एंड द मीनिंग ऑफ डिसवेड इज डिस्करेज करना, किसी को हतोत्साहित कर देना, किसी को ये कहना कि तुम तो कर ही नहीं सकते ये काम, यही कहलाता है डिसवेड। और ये बहुत गलत है, हम किसी से नहीं कह सकते, हमें कोई हक नहीं है किसी से कहने का। खैर, डिसवेट का मीन्स होता है दोस्तों किसी को हतोत्साहित करना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में कह सकता हूं, Our warnings did not dissuade them। हमारी जो वार्निंग्स थी, जो चेतावनी थी, उसने उसको हतोत्साहित नहीं किया, उसे डिस्करेज नहीं किया, ये कहलाता है डिसवेट, राइट? नंबर थर्ड, नंबर थर्ड है दोस्तों एड्रॉइट, ADROIT, एड्रॉइट, एंड द मीनिंग ऑफ एड्रॉइट इज वेरी स्किलफुल, बहुत चालाक या क्लेवर, कहलाता है एड्रॉइट। एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ, शी इज एड्रॉइट एट हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। जी हाँ, लड़कियाँ बहुत चालाक होती हैं किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने में। वही सेंटेंस ने कहा, शी इज एड्रॉइट एट हैंडलिंग प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम को हैंडल करने में बहुत सक्षम है, बहुत चालाक है। नंबर फोर, एबंडेंट, ABUNDANT, बहुत सिंपल वोकैबुलरी है, abundant, इसका मीन होता है पर्याप्त मात्रा में कुछ होना, plenty, plenty कहलाता है abundant। हम इसको plenty के अलावा ample और sufficient भी कह सकते हैं, AMPLE, ample या sufficient। Example, it is most abundant bird in the forest, wow, it is most abundant bird in the forest, इस जंगल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली, प्लेंटी मात्रा में पाई जाने वाली बर्ड है ये, तो इट इज मोस्ट अबेंडेंट वर्ड इन द फॉरेस्ट। सिंपल। नंबर फाइव, एडवर्सरी, ADVERSARY, एडवर्सरी, एडवर्सरी एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है एंटागोनिस्टिक। जी हाँ, शत्रुता या शत्रु होना या किसी से लड़ाई झगड़ा होना, इट्स कॉल्ड एडवर्सरी, मीन्स एंटागोनिस्टिक, राइट? एंटागोनिस्टिक के अलावा हम इसको कह सकते हैं Hostile, HOSTILE, hostile भी इसका एक सही वर्ड है, राइट? शत्रुता रखना। एग्जाम्पल दोस्तों, his political adversaries tried to prevent him from winning the nomination. वो, ये political लोगों के लिए था सेंटेंस, इसको ध्यान से समझेंगे। His political adversaries, उसकी जो political adversaries means शत्रुताएं थी, जो उसमें खामियां थी कि वो सबसे लड़ता था, तो उसने कहा हिज पॉलिटिकल एडवर्सरीज, उसकी जो पॉलिटिकल एनिमिटीज थी, ट्राई टू प्रिवेंट हिम, उस चीज ने उसको रोका, किसके लिए, फ्रॉम विनिंग द नॉमिनेशन, नॉमिनेशन को जीतने से, मतलब वो नॉमिनेशन नहीं जीत पाया, केवल किसके कारण, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल जो थी वो हॉस्टिलिटी, बहुत सारी शत्रुताएं थी, तो इसीलिए वो चीजों को नहीं जीत पाया। दिस वॉज एडवर्सरी। नंबर सिक्स, एडवर्सिटी,
ADVERSITY, adversity. And the meaning of adversity is misfortune या tragedy. Misfortune या फिर tragedy means बहुत ही दुख होना किसी भी चीज के लिए या दुर्भाग्यशाली होना कहलाता है adversity. Example दोस्तों, we had to learn to deal with adversity. We had to learn. हमें सीखना था कि कैसे हम दुर्भाग्य से लड़ सकते हैं, हम कैसे जब गिरते हैं तो उस चीज से लड़ सकते हैं कि हमें हौसला कैसे बनाए रखना है. यही कहलाता है एडवर्सिटी, मतलब विषम परिस्थितियां. हमें सीखना चाहिए कि हम कैसे विषम परिस्थितियों से लड़ सकते हैं. वही सेंटेंस में कहा उसने, वी हैड टू लर्न, हमें सीखना था टू डील विद एडवर्सिटी, कि कैसे हम विषम परिस्थितियों से, कैसे हम अपने दुर्भाग्य से लड़ सकते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल एडवर्सिटी. नंबर 7 दोस्तों, अबेंडन, ABANDON. अबेंडन मीन्स टू लीव या क्विट, छोड़ देना. सिंपल एग्जाम्पल, ही अबेंडन्ड हिज फैमिली. बहुत सिंपल, उसने अपना परिवार छोड़ दिया. ही अबेंडन्ड हिज फैमिली, राइट. नंबर 8, एब्रोगेट, ABROGATE. एब्रोगेट का मीन्स होता है दोस्तों अबोलिश या एनल, किसी भी चीज को बूम धड़ाके से हटा देना, विध्वंस कर देना, एब्रोगेट करना, एनल कैंसिल कर देना या उखाड़ फेंकना, कहलाता है एब्रोगेट. एग्जाम्पल में कह सकता हूं मैं आपसे, द कंपनीज डायरेक्टर्स आर accused ऑफ, जो कंपनी के डायरेक्टर थे वो दोषी थे ऑफ एब्रोगेटिंग देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कि उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझा, उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाया. तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज ना निभाने के वो दोषी थे. दिस इज वॉट वी कॉल एब्रोगेट. तो क्या कहा सर इसने, द कंपनीज डायरेक्टर्स आर accused ऑफ एब्रोगेटिंग देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अपरूट कर दिया, उखाड़ फेंका, इस चीज के वो दोषी थे, राइट. एक और एग्जाम्पल, द यूएस कांग्रेस कैन एब्रोगेट ओल्ड ट्रीटीज, जो यूएस कांग्रेस है वो हटा सकती है पुराने ट्रीटीज को, जो पुरानी चीजें थी, जो पुराने पैक्ट समझौते थे उनको हटा सकती है, दैट आर अनफेयर टू नेटिव अमेरिकन्स, जो अमेरिकन्स के लिए, जो वहां के रहने वाले मूल नेटिव अमेरिकन्स थे उनके लिए जो बेकार थी, जो उनके लिए हार्मफुल थी, वो अनफेयर थी, उनको वो हटा सकती है. कौन? जो अमेरिकन कांग्रेस गवर्नमेंट है, द यूएस कांग्रेस, इज कॉल्ड एब्रोगेट. नंबर 9, aftermath. और aftermath का मीन्स होता है कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट. हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंस परिणाम या रिजल्ट परिणाम. एग्जाम्पल दोस्तों, द सर्जरी वॉज सक्सेसफुल, सर्जरी जो थी वो सक्सेसफुल थी, बट शी नाउ हैड टू डील विद, लेकिन अब उसे डील करना था इट्स aftermath, किससे, इसके consequences से. उसकी सर्जरी हो गई लेकिन अब बाद में उसको जो दर्द झेलने थे अब उसे उससे डील करना था, राइट. और हम ये भी कह सकते हैं कि सर्जरी जो थी वो सक्सेसफुल हो गई, अब उसे डील करना था उसके consequences से, अ ह्यूज बिल, हो सकता था कि उसके बाद एक बहुत ही लंबा बिल आने वाला था हजारों लाखों रुपए का, अब उसे उससे डील करना था. तो यहां पे कॉन्सिक्वेंस का मीन्स परिणाम से है, जो कि ह्यूज बिल को भी शो कर सकता है, राइट. एंड द लास्ट, नंबर टेन है दोस्तों आज की हमारी, एडवेंट, ADVENT, एडवेंट. एंड द मीनिंग ऑफ एडवेंट इज अराइवल. अराइवल कहलाता है एडवेंट, जिसे हम कहते हैं आउटब्रेक, अचानक ही छिड़ जाना, अचानक ही आ जाना, इज कॉल्ड आगमन, एडवेंट. द एडवेंट ऑफ टेलीविजन, जो टेलीविजन का आविष्कार हुआ, टेलीविजन आया, तो हम कह सकते हैं द एडवेंट ऑफ टेलीविजन, राइट. और एग्जाम्पल के तौर पे, द एडवेंट ऑफ स्प्रिंग इज अबाउट टू कम, द एडवेंट ऑफ स्प्रिंग इज अबाउट टू कम, जो स्प्रिंग का जो आगमन है वो होने वाला है, द एडवेंट ऑफ स्प्रिंग इज अबाउट टू या इज अबाउट टू कम. सो ये थे दोस्तों हमारे 10 वोकैबुलरी. आशा करता हूँ और विश्वास के साथ आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी, राइट. बस आपका काम है कि आप इसको लर्न करें और दोस्तों डेली लर्न करें और पिछली चीज़ को जरूर लर्न करें. बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी किसी भी एग्जाम के बाद अपनी गलतियों से सीखना. दोस्तों जो सीखता है वही चीज़ों को बेस्ट, बेटर से बेस्ट बनाता है. आप लोग बेटर कर रहे हैं लेकिन करना हमें बेस्ट है, इसके लिए हमें हर एक चीज़ को रिवाइज करना पड़ेगा. तो प्लीज़, लोगों की अक्सर एक शिकायत होती है कि सर वोकैबुलरी भूल जाते हैं, इसका कोई रामबाण औषधि नहीं हो सकती अनटिल अनलेस आप इसको यूज़ करें, राइट. कोई साइंस ऐसा नहीं होती और ऐसा नहीं कहती जो आपको बहुत झटके में याद करा दे. जो शॉर्टकट होते हैं वो हमेशा दोस्तों बहुत लॉन्ग कट बन जाते हैं, और जो लॉन्ग कट होते हैं वो हमेशा के लिए आपके साथ रहते हैं. सो जस्ट रिमेंबर, ट्राई टू लर्न देम, ट्राई टू यूज देम विद योर फ्रेंड्स, ट्राई टू आस्क अगेन अगेन टू योर फैमिली मेंबर्स, राइट, बिकॉज दे सपोर्ट यू.
to your friends especially and try to write down that how many vocabulary have you done, how many vocabulary can you can tell actually. So just this is the only remedy which can save you by learning vocabulary, right dosto? Learn karte rahein aur pichle ko jarur learn karein. So that's it for today. Zyada bhasha nahi dena chahunga main. Finish karte hain aaj aur that's it. Take care of yourself. Stay happy, stay healthy, stay hungry. Thank you, dosto. Namaskar.